जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। दिल्ली से लेकर पटना तक कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया। सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद अब जातिगत जनगणना और आरक्षण के आसपास घूम रही बिहार की सियासत में राजनीतिक तौर पर बड़ा बदलाव होना तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार के एक फैसले से बिहार की सियासत में नया चैप्टर खुल गया है। फैसला है बिहार के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया। 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। ठीक इससे एक दिन पहले जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो दिल्ली से बिहार तक सियासी बयानबाजी और जश्न की शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। ये तस्वीरें कर्पूरी ठाकुर के साथ पितौंजिया की हैं। दिल्ली में जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ पितौंजिया से लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर यानी बिहार में सामाजिक न्याय के मसीहा। भारत छोड़ो आंदोलन में 26 महीने जेल में रहने वाले कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 1967 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक पहली बार बिहार के सीएम रहे। 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावेदारी जेडीयू और आरजेडी दोनों जताती रही हैं। अब इस दावेदारी में बीजेपी भी शामिल हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है। लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। देश में सपना पूरा करने वाला ही मोदी की गारंटी है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर आज दिल्ली में भी कार्यक्रम है। विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली से पटना तक अचानक सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक्टिव क्यों हो गई? आखिर क्यों सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा कर रही हैं? और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला क्यों सियासत का मास्टर स्ट्रोक है? दरअसल जिस बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर सियासत होती है, जिस बिहार में आरक्षण सियासत का बड़ा टूल है, उस बिहार में कर्पूरी ठाकुर बड़े आइकन है। बतौर सीएम 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर आरक्षण लागू किया। उन्होंने 26% आरक्षण लागू किया। इनमें 20% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए था, 3% आरक्षण महिलाओं के लिए था, 3% आरक्षण सवर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने और मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा जैसे बड़े फैसले भी कर्पूरी ठाकुर ने ही लिए थे। आरक्षण का जो मॉडल कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लागू किया था वही आगे चलकर देश के लिए मिसाल बना। यही वजह है कि मंडल की सियासी जमीन बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न की उपाधि मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बहुत बड़ा पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविजन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। केंद्र सरकार का यह फैसला कैसे बिहार समेत उत्तर भारत में सियासत का नैरेटिव बदलेगा, उसे समझिए। दरअसल बिहार में जाति जनगणना कराकर नीतीश कुमार सियासत की नई बिसात बिछा चुके हैं। 2023 में हुई जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की आबादी 36.01% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सवर्ण 15.52% है। यानी बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा 84.46% आबादी आरक्षण के दायरे में आती है। इस वोट बैंक पर अब तक नीतीश कुमार की JDU और लालू प्रसाद यादव की RJD की दावेदारी रहती थी और ये वोट बैंक इन पार्टियों के साथ था भी, लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर जैसे आइकन को भारत रत्न देने के फैसले के बाद BJP ने भी इस वोट बैंक में मजबूत सेधमारी की पहल कर दी है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ ही बिहार से अब BJP ने कमंडल के साथ मंडल का भी मेल मजबूत किया है। इसका असर भी दिखने लगा है। CM नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर जो ट्वीट किया, पहले उसमें PM का नाम नहीं था, लेकिन चंद मिनट बाद ही अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर नीतीश ने नया ट्वीट किया। इस ट्वीट में PM मोदी को धन्यवाद किया गया है। तो क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में नया चैप्टर शुरू हो गया है? क्या नीतीश को वो मुद्दा मिल गया है जो उनके लिए पाला बदल का आधार बनेगा? क्या मंडल प्लस कमंडल वाली BJP की सियासत अब पूरे उत्तर भारत में राजनीति को बदल देगी? ABP News आपको रखे आगे।